इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पैराग्राफ टाइप करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहली चीज हम सीखेंगे अलाइनमेंट, और फिर हम बात करेंगे इंडेंट के ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक सैम्पल पैराग्राफ ले लेते हैं। एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, RAND, और फिर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 लिखता हूँ तो इसके अंदर आप देखें कि 5 पैराग्राफ्स क्रिएट हो जाएंगे। अभी हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं जो कि हमने रैंडमली जनरेट किए हैं। पहली 3 लाइन ये हमारे पास एक पैराग्राफ को शो कर रही है। उसके बाद थोड़ा से फासले के बाद अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये पैराग्राफ आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर पाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। होम टैब पे आपको यहाँ पे एक ग्रुप नजर आ रहा है पैराग्राफ का। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ के इस ग्रुप में आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से पैराग्राफ को अपने पेज पे किस पोजिशन के ऊपर सेट करना चाहते हैं। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। उसके साथ हमारे पास ऑप्शन होता है सेंटर अलाइन का। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि किस तरह हमारा पैराग्राफ बिल्कुल सेंट्रली अलाइन हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा राइट अलाइन के ऊपर तो आपका पैराग्राफ किस तरह से राइट अलाइन हो चुका है, यानी इसका झुकाव अब ये राइट साइड से शुरू हो रहा है एक तरह से। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जस्टिफाई का। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आपके पास यहाँ पे जस्टिफाई के अंदर मजीद 4 ऑप्शन है, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। अगर जस्टिफाई लो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तब आपका पैराग्राफ अपने हिसाब से अपने आप को खुद सेट कर लेगा, जहाँ पे वो जस्टिफाई करेगा कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी जस्टिफाई को मीडियम करते हैं, अब आप देखें कि आपने देखा कि वर्ड्स के दरमियान थोड़ा सा फासला बढ़ा दिया गया। इसी चीज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और जस्टिफाई हाई कर देते हैं। अब आपने देखा कि हमारा पैराग्राफ कितना वाजे और खुला नजर आ रहा है। तो ये वो तमाम सेटिंग्स हैं जो कि आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट के ऊपर सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने बात की थी इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट का और डिक्रीज इंडेंट का। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये एक पूरा पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इंक्रीज इंडेंट का। होम टैब में पैराग्राफ के इस ग्रुप में आप क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट के ऊपर, आपने देखा कि राइट से इसका इजाफा ज्यादा हो गया। अब मैंने चूंकि पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था इसलिए ये राइट इंडेंट हो गया। इसी तरह आपको यहाँ पे पैराग्राफ नजर आ रहा है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जो पहली लाइन है इसकी इंडेंटेशन बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करूंगा, पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इंक्रीज इंडेंट का। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो ये वाला पैराग्राफ है ये भी इसकी भी इंडेंटेशन इंक्रीज हो गई और ये भी थोड़ा राइट साइड की तरफ बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब देखते हैं अगर इसका इंडेंट डिक्रीज किया जाए तो ये क्या होगा। इस वक्त ये मैक्सिमम लेफ्ट इंडेंट के ऊपर मौजूद है। अगर मैं इसका इंडेंट इंक्रीज करता हूं तो ये राइट की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इसको वापस लेके आता हूं तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन को राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट और इंडेंट किस तरह से किया जाता है।